पीछे आ जाओ में आ रही है लाइट चलिए रोलिंग है रोलिंग है वीडियो तो बना बोलू बोलू पांडे अरे नाम ले ली इतनी बड़ी अच्छी लग रही है अरे लगा बस बॉयफ्रेंड सॉरी पति के लिए आइए जैस्मिन की एलिगोनी थे और सबने खतरा 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 भी साथ में किया है वो भी है अंदर शो के अंदर थे अभी तो आप बाहर आ गए मजा आया और गिराने का अपने दोस्तों को अलग ही मजा आता है हाँ, लेकिन उनकी बेइज्जती कितनी की आपने ये बेइज्जती वाला शो ही नहीं है क्योंकि गेम ही कर देता है ना तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती जब बंदा सीढ़ियों से फिसलता हुआ आता है और पानी में जाता है थैंक गॉड मैं नहीं गेम कर रही पैर की वजह से क्योंकि वरना लोग कहते गई भैंस पानी में लेकिन अब वो नहीं रही मैं अब पतली हो गई सब कहते हैं गई बकरी पानी में है ना इतनी पतली हो गई है पूरा इनको पता है सो गेम के बारे में बताइए क्या था आज आज के गेम में जैसे कि आपने खतरा खतरा देखा हुआ है कलर्स में ये खतरा खतरा से 10 गुना बड़ा शो है आपने सबके वीडियोस में क्योंकि आप तो अंदर गए नहीं क्योंकि विजुअल लेने नहीं दिए क्योंकि हमको डालने हैं कि आप डाल दोगे फिर बोर हो जाएंगे सब थोड़ा बहुत खाना चाहिए ना बिल्कुल दिखाएंगे और पढ़ने का वीडियो बन गया अपना लगा हुआ है और अभी आपके पास भी आएगा मैं तो बिंदास कह दूंगी शट अप अंदर बहुत बड़े गेम्स बने हुए हैं और जैसे 3 दिन का लगातार शो था अभी 2 दिन का ब्रेक है तो सेटअप चेंज होगा नए गेम्स आएंगे फिर 2 दिन शूट होगा फिर 2 दिन का ब्रेक है फिर सेटअप चेंज होगा तो ऐसे 6-7 दिन का हमारा शूट है तो वो हम कर रहे हैं आइए बेटा ये देखिए साउथ से बुला के भिगाया है इनको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है नीचे 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 बैठना पड़ेगा बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली थोड़ा थक गया आवाज देखी नहीं आपने थक गए और इतना गिरे पता नहीं भाई ये पिछले जमाने में बंदर था इससे इससे गया ये बड़ा होकर चोर बनेगा पता जिस हिसाब से इसने क्रॉस किया तो मुंबई में खतरा हो बिल्डिंगों में चढ़ जाओगे अभी लगता है मुझे खतरा खतरा का अगला शो मुझे होस्ट करना चलो निकली यहाँ से हमारे पेट हमने शो पे बुलाया हमारे पेट पे लात मार रहा है सो गाइस नहीं यार मतलब इतना स्टेमिना और इतनी ताकत इस सच में ये डांसर्स में ही हो सकती है मतलब आज तक किसी ने इतना रिकॉर्ड बनाया ही नहीं कि 7, 9, 8 बॉल डाल दिए यहाँ से पता चलता है कितने भूखे हैं पैसों के $1000 तो मिल गया जीते भी है ये $1000 वाला कैसे वो सीन आपको बाद में पता चलेगा हमारा सीन क्या है सारा लड़की ये लड़की ही होती है जो अंदर से बातें अच्छा तो कहाँ मिलेंगे वो सारी बातें बुलवाती है अरे तो थोड़ा सा आइडिया तो दीजिए आइडिया कौन नहीं देना किशन हमने सलमान सर को आप बुलाएंगे आपके शो में उससे पहले अगर ये यहाँ से चले जाए तो अपना वीडियो अच्छा हाँ थैंक यू बाय भारती आई लव यू कपड़े बदल के वापिस आ गुजराती सॉरी मेरा पति सोच तो रहा है कि धंधा कैसे बढ़ाए तो वो सोच रहा है भारतीय शोज में जाएंगे तो कोशिश कर रहे हैं पर अभी इधर से मतलब इतना ज्यादा काम है कि हमको फुर्सत नहीं मिल रही देन उसके बाद कपिल शर्मा है कल छुट्टी कर कपिल शर्मा परसों कपिल शर्मा फिर इधर फिर कपिल शर्मा तो ऐसे में अभी पता नहीं वो अकेला ही जाएगा पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स मम्मी डैडी जाए तो अच्छी बात है आप क्यों कितना मुस्कुरा रही हैं भारती जी कल करवा चौथ था सो हर्ष ने आपको क्या गिफ्ट किया ये शो ये शो दिया पहले से गिफ्ट था मतलब पहले से चल रहा था ना काफी मूवमेंट है हमारा इंटरव्यू खराब कर रहे कौन सा चैनल है आपका जी सच में मास्क के चोली की बाजू का हटके लगा देखो मास्क का कितना चौड़ा कर दिया इन्होंने बट बहुत बहुत मैंने देखा अभी जब हमारा इंटरव्यू नहीं चल रहा था तो उधर मजदूरों के साथ भी काम कर रहे थे बहुत मेहनती लड़का है और कब से मेरा वेट कर रहा है बिल्कुल हम प्लान कर रहे हैं काफ़ी शोज में जाने के लिए अपने
शो को प्रमोट करने के लिए, और जो भी आता है हम उसको सेट नहीं देखने देते, हम बोलते मेरे कपड़े पहन कर आओ फिर जाओ। जो भी अंदर आता तो उसका मुख खुल जाता है कि यूट्यूब के लिए इतना बड़ा शो हो रहा है, बोला यस अब कुछ अलग करना है, व्लॉग दुनिया बना रही है ना। मेरा बुरा भी नहीं होने देते और ये बोल पड़ते हैं। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ भुवन जो यूट्यूबर है उसको आप टक्कर देने वाले क्या? उनको टक्कर कैसे देंगे? मतलब यूट्यूब में आप आएंगे? यूट्यूब में नहीं आएंगे, बट हम नॉन फिक्शन बना रहे हैं, वो वेब सीरीज बनाते हैं। आप बैठ जाएंगे सो मैं लंबा बोलूँ, आप बीच में बोलेंगे तो नहीं 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 बोलेगा भैया। सो नहीं नहीं सबका अपना अपना है। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जैसे हम नॉन फिक्शन वाले हैं, मैंने कभी डेली सोप नहीं किए, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे शोज हो मेरे, ट्रैवलिंग शो आए किसी सेलिब्रिटी के साथ, अचानक से उसको लेटर आ गया तो उसके साथ मालदीव गई, मैं दो दिन रही शॉपिंग की या कहीं और गए, ऐसा शो सोच रही हूँ जो मुझे मज़ा आए, सामने वाले को पता नहीं। लंच का शो, उसके घर जाके खाना बनाने का शो, तो ऐसे वाले थोड़े सोच रही हूँ कि मैं नॉन फिक्शन टाइप हूँ जिसमें हमको मज़ा आता है और जिसमें हम फन निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि हाय गाइस मैं मालदीव जा रही हूँ मेरा व्लॉग देखना, हाय गाइस आज मैं आलू गोभी बना रही हूँ मेरी आलू गोभी जली या नहीं व्लॉग में देख, ऐसा कोई व्लॉग नहीं, प्रॉपर शो है ये। सो ऐसा शो बनाए। शादमा आपकी बहुत बड़ी फैन। कौन शादमा? लेकिन तो मैम किसके बारे में आप बात कर रही? किसके किसी के बारे में फिर मास्क उतार के? अच्छा ये क्या करते हैं जब मैं बोलती हूँ तो मास्क लगा लेते हैं और जब खुद बोलते हैं तो मास्क हटा के? आप किसके बारे में मतलब किसके बारे में आप बोल रहे थे? मतलब जो व्लॉग आप कोई सेलिब्रिटी के बारे में आप बोल रहे थे, किसके बारे में? सेलिब्रिटी नहीं, आजकल सारे व्लॉग बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि व्लॉग तो चलो सारे देखते रहते हैं क्योंकि हम इंस्टा पे सब वीडियो डालते रहते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ कि अब ना OTT प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है कि आपको अरे डांस शो आने वाला है 9 बज रही है और निकल गया उसका डांस, ऐसा नहीं। अब जब भी आपको देखना है फ़ोन निकालो, भारती TV सर्च करो, बस देख लो इंडियन डांस शो, सॉरी इंडियन गेम शो। मैम जैसे कि अभी तक तो सब बड़े बड़े लोग थे जैसे कि अली गोनी जासमिन ये सब थे, तो छोटे बच्चे भी क्या इस गेम शो में दिखेंगे? बिल्कुल नहीं, बच्चे कहने आए हैं इनके लिए कुछ अलग सा प्लान करेंगे, इनकी सेफ्टी को सोच के वो गेम्स बनाएंगे। ये तो बड़ों वाली गेम्स है, अभी पूल वूल बड़ा है वो सोरी पूल बता दें मतलब देखा बच्चे भी खराब करते हैं आती है ठीक है एंड वाले दिन आपको फेंकेंगे उसमें। सो बच्चों को सोच के उनकी सेफ्टी को सोच के वैसी चीज़ें बनाएंगे, अभी तो बड़ों के लिए है। हम सोच रहे हैं एक एक बार आपको भी बुलाएं लेकिन आपको नहीं क्योंकि आप पानी में जाएंगे, पानी बाहर मैं भी बाहर नहीं आ रही है, इसको भी नहीं भेजेंगे, आपको लास्ट डे भेजेंगे जब पानी निकालना होगा। तो भी क्या आप लोग आएंगे? जी यस। वाह कितने वेले हैं जी, छोटू पांडे आए, वो वीडियो बनाएंगे हम, वो बच्चों के शो में आएगा भाई, कुत्ते के साथ उसकी पूंछ हिल रही है उसका वीडियो बना रहा है। इस बार ना घर की सफाई की ना पर्दे चेंज किए कि यहाँ पे बाजू के शो के बच्चे किसके बाजू के शो बाजू में सीरियल चला गया। इस बार ना सफाई की ना पर्दे चेंज किए क्योंकि सारा ध्यान ही इस शो में लगा हुआ है। सो होप सो कि बहुत सारे लोग घर बैठे थे जिनके पास काम नहीं था, हम उनके साथ जुड़े हैं, वो काम कर रहे हैं हमारे साथ है ना, तो कोशिश यही कि उनकी दिवाली हमारी वजह से थोड़ी सही हो सके और बहुत जल्दी हम दोबारा से ये सीज़न लेकर आए और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं इवन कि जो कम बजट में हमारे साथ काम कर रहे हैं क्योंकि ये सब खुद का ही लग रहा है। सो ये कोई व्लॉग नहीं है जो अपना फ़ोन लिया और ऐसे लगा के व्लॉग बना लिया, प्रॉपर इसमें 15 से 17 कैमरे लगे हुए हैं, लाइट्स है, मतलब एवरीथिंग है जो एक नॉन फिक्शन शो में होती है। सो हम चाहते हैं कि फटाफट ये सीज़न हिट हो जाए और दूसरा आए सीज़न के बाद ये अपनी कोशिश तो यही है कि 40 से 50 एपिसोड बनाए क्योंकि यूट्यूब पे कोई 1 घंटे का या आधे घंटे का देखेगा नहीं, ये 15 या 12 मिनट्स का होगा। सो बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, मेरी आवाज़ भी देखो जा रही है आप, मैं इसलिए कह रही हूँ कि बस करो अब आवाज़। और दूसरे से भी मेहनत करवा रहे हैं क्योंकि सब कह रहे थे बहुत दर्द हो रहा है, देखो इतनी लड़ाई लड़
दूसरों से भी पूरा आईब्रो उठा उठा कोकिला बहन बन रही है, दूसरों से भी मेहनत करवा रहे हैं ताकि उनको भी दर्द हो। बहू है किसी घर की तो लड़की पे कैमरा मारिए, देख लीजिए कि लड़का इकलौता हो वही शादी के लिए अप्रोच कर रहे, वरना ये कलेश ऐसा डलवाए बिना कि रसोड़े में कौन था। दिवाली में शेक कर देता। जैसे हमारी इस बार दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं जो गेम्स करके गए हैं उनको भी दिवाली तक दुखेगा, तो वो दिवाली तक हमें याद करेंगे। सो मेरी तरफ से और हर्ष की तरफ से और भारती टीवी की तरफ से आप सबको